देश और मध्य प्रदेश की जनता की आस्था प्रधानमंत्री जी में, श्रद्धा मोदी जी में, विश्वास मोदी जी में है, और सचमुच में नरेंद्र मोदी ईश्वरीय चमत्कार है। मध्य प्रदेश की जनता के दिल में भी बसे हुए नरेंद्र मोदी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया जनता ने। लेकिन 5 महीने पहले जो कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, इसने त्राही त्राही मचा दी। सरकार और सरकार का फर्क लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की मेरे समय की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, कर्ज माफी की नहीं गई, वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, भांजे भांजियों की, माताओं बहनों की सारी योजनाएं बंद कर दी। फिर से मध्य प्रदेश में अंधेरा छाने लगा, आर्थिक अराजकता ऐसी कि लूटमार मचा दी, केवल पैसा लूटो पैसा लूटो लूटमार का खेल शुरू हो गया। जनता गुस्से में थी, लोगों को अफसोस था कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिलाया, और मैं जहाँ जाता था वहाँ कहते थे कि मामा चिंता मत करो, गलती हो गई, लोकसभा के चुनाव में मैं ब्याज के निकाल देंगे। और आज जो परिणाम आए हैं, 5-5 लाख लोगों से भारतीय जनता, 5-5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी कई लोकसभा क्षेत्रों में जीती है। केवल छिंदवाड़ा अपवाद रहा, वहाँ भी 37,000 वोट से कांग्रेस जीत पाई, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और दुनिया के शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, और उनके साथ ही अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिन्होंने कुशल रणनीति बना के क्रियान्वित किया, असंभव को संभव करके दिखाया, उनको भी हृदय से बधाई देता हूँ।